नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। बीते दिन नए जिले मऊगंज में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति कर दी गई थी, जिनमें वीरेन जैन को एसपी और सोनिया मीणा को कलेक्टर बनाया गया था। आपको बता दें, आदेश पर देर रात्रि सुधार किया गया है, जिसके बाद अब नवीन जिला मऊगंज के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव होंगे। आपको बता दें, आदेश देर रात संशोधित किया गया है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला रीवा जिले का मऊगंज हो गया है। मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी तहसील को मिलाकर यह जिला बनाया गया है। राजस्व विभाग ने रविवार को जिला गठन का आदेश जारी किया था, जिस पर देर रात्रि सुधार किया गया। वहीं नवीन जिला मऊगंज में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति भी कर दी गई है, जिनमें वीरेन जैन को एसपी और अजय श्रीवास्तव को कलेक्टर बनाया गया है। माना जा रहा है कि अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी इसी सप्ताह हो जाएगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 मार्च 2023 को मऊगंज में जन कल्याण कार्यक्रम में मऊगंज को जिला बनाने और 15 अगस्त को राष्ट्र ध्वज फहराने की घोषणा की थी। 6 अप्रैल को नए जिले के गठन की प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दावे आपत्ति बुलाए गए। इनका निराकरण कर बीते शुक्रवार को राजस्व विभाग ने कैबिनेट ने नए जिले के गठन और कलेक्टर सहित अन्य पदों के सृजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। बैठक में स्वीकृत मिलने के बाद रविवार को राजस्व विभाग ने नए जिले के गठन के आदेश जारी कर दिए। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही नए जिले का गठन हो जाएगा। इसके रीवा जिले में हुजूर, हुजूरनगर, जवा, त्योंथर, रायपुर, करचुलियान, गुढ़, सिरमौर, सिमरिया और मनगवा तहसीलें रहेंगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इसके बाद नागदा को जिला बनाने की प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री पिछले माह नागदा को जिला बनाने की घोषणा कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।